हेलो एवरी वन वेलकम टू अभी मन्यू आई एस आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी मन वाई एस एंड आई ऑल्सो वेलकम यू टू आवर न्यू इनिशिएटिव विच इज़ अभ्यास टू पॉइंट ओ एच एस प्रिलिम्स के लिए आपके लिए हमने एक बहुत अच्छा इनिशियेटिव स्टार्ट कर रखा है अभ्यास टू पॉइंट ओ जिसके अंदर हम प्रिलिम्स से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ जो कि या हो प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर अदर इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ हो वो सारे के सारे टैकल करेंगे एंड दिस इनिशियेटिव विल कंटिन्यू टिल प्रिलिम्स जब तक प्रिलिम्स नहीं होता ये आपका इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चलता रहेगा इसका टाइम टेबल और शेड्यूल हम आपको बता दिए वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द शेड्यूल उसके अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन द सेशन जहाँ पर डेली आपको एक जी क्लास और एक सी क्लास डेली बेसिस पे आपको मिलेगी जी क्लास आपको छः बजे शेड्यूल होकर मिल जाएगी एंड सेवन सात बजे आपकी सी क्लास आ जाएगी जिसके अंदर इंग्लिश क्वांट रीजनिंग सब कुछ इंक्लूडेड है जी के अंदर पॉलिटी इकोनॉमी हरियाणा जीके राइट हिस्ट्री एन्वायरमेंट साइंस एंड टेक एवरी थिंग सारा कुछ कवर होगा उसके अंदर और आज की जो अपनी क्लास है राइट ये पॉलिटी की क्लास है जिसके अंदर हम पॉलिटी का ये सेशन टू है ऑलरेडी ये क्लास हो चुकी है पॉलिटी की अगर आपने अब तक नहीं देखी वो तो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो बिकॉज ये उसकी कंटिन्यूएशन में ही है वहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे और आज भी उसी कंटिन्यूएशन में रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने एच एस के पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एम आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको आज हम टैकल करेंगे सो विद दिस लेट स्टार्ट आवर वीडियो एंड आई सिंसियरली होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी अगर नहीं जा रही तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए 11 फरवरी को अपना प्रीलिम्स है एच का प्रीलिम्स है बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी वैकेंसी भी आई है इस बार So, पूरी उस मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है राइट right? तभी बात बनेगी अगर अभी आप पीछे होके बैठ गए बैक सीट लेके बैठ गए तो अब आप प्रिपरेशन आपकी कहीं ना कहीं लैग करेंगे आप कॉम्पिटिशन आपसे बहुत आगे निकल जाएगा सो विद दिस नाउ लेट स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जस्टिस नाउ एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था इस बार एग्जाम में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन काफी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए हुए थे बहुत सारे नंबर्स में आए हुए थे और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़े से टफ रहते हैं बिकॉज इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है अगर आपको दोनों सेट में करेक्ट है लेकिन दोनों में लिंक भी पता होना चाहिए तभी आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे तो अगर इन क्वेश्चन के लिए श्योर है तो ही अटैम्प्ट करें वरना यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई मीन ओके नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर असर्शन में आपसे पूछा हुआ है

एक एनालिटिकल क्वेश्चन हैं कुछ टाइम तक पहले एच सी एस इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता था बट अब उन्होंने पिछले दो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन ना हो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया है दीज आर द एनालिटिकल क्वेश्चन दैट मेक अ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लाइक अ सिविल सर्विसेज इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने चाहिए इफ़ यू टेक माई ओपिनियन बिकॉज तभी एक सिविल सर्वेंट्स जो प्रिपेयर कर रहा है एच के लिए हाउ कून ही बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द अदर एग्जाम्स राइट Now let's come on to the question. Federalism in India is in recently moving from cooperative to bargaining federal system. Question क्या कह रहा है आपको कि जो federalism है वो cooperative federalism से cooperative federalism से bargaining federalism की तरफ shift हो रहा है Now इसके लिए आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि cooperative federalism क्या है और ये जो bargaining federalism है ये किस perspective में बोला जा रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिंपली कुछ नहीं विट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अब फेडरलिज्म तो है अपना फेडरलिज्म इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है बट हमारे इंडिया के अंदर एक प्रॉपर फेडरलिज्म को चलने के लिए भी वॉट इज द प्रायोरिटी दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द कोऑपरेशन शुड बी द टू लेवल्स दैट इज सेंटर एंड स्टेट राइट इन दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन होनी चाहिए ओके सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विच इज़ बिटवीन कोऑपरेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट तो यस एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर और इंडियन फेडरलिज्म इज़ नाउ आल्सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ओनली और बारगेनिंग फेडरलिज्म क्या होता है बेसिकली बारगेनिंग एक बैड फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जिसके अंदर क्या होगा कि जो स्टेट है वो सेंटर के ऊपर हर चीज़ के लिए एक, क्या करें लाए करे लाए करे कि स्टेट को अगर कोई भी रिसोर्स चाहिए तो वो सारा कुछ किसके पास सेंटर के पास है उसको सेंटर की परमीशन चाहिए हर एक काम के लिए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगी आपको यस yes, इंडिया के अंदर भी एग्जिस्ट करता है बट अगर आपको इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मान के चलना है कि यस yes, इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है हमारे यहाँ पे बार्गेनिंग एग्जिस्ट नहीं करता राइट right? इसको ट्रू नहीं मानना सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट आएगी एंड देन कम्स रीजन की बात करें तो रेजुल पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन लाइंग विद सेंटर यस इट इज ट्रू इट इज ट्रू द रेजुलरी पावर्स डेफिनेटली लाइव विद द सेंटर बार्गेनिंग फेडरलिज्म को रेजिडरी उससे भी क्या कहते हैं करेक्ट कर सकते हैं कि रेजिडरी पावर जो होती हैं अब रेजिडरी पावर की पहले बात करें तो ये होती क्या है जो अपनी तीन लिस्ट है सेवन शेड्यूल के अंदर सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और उसके अलावा एक कॉनकरेंट लिस्ट इनमें अगर इनके अलावा कोई भी प्रोविजन होगा विच इज नॉट रिटर्न डाउन देयर उन तीन लिस्ट के अंदर जो वो प्रोविजन अगर कोई लिखा हुआ नहीं है इसके अलावा कोई प्रोविजन होगा तो उसको बोलते हैं रेजिडरी पावर जो रिमेनिंग है रेजिडरी का मीनिंग नहीं होता है तो उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है सेंटर के पास तो दैट इज द रीजन की रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज इन करेक्ट इन द स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था इफ़ यू आस्क मी ये थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन था इसके अंदर बच्चों की बहुत गलतियां भी होंगी तो इन क्वेश्चन का खास ध्यान रखना होता है एग्जाम में अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो थोड़ा केयरफुली आंसर करना है उस क्वेश्चन को

जस्टिसएबल दीज आर जस्टिसबल मतलब दीज आर एनफोर्सिएबल बाय द लॉ एनफोर्सिएबल बाय द लॉ वॉट डज इट मीन कि अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है फंडामेंटल राइट right अगर स्टेट आपका आपके वायलेट करती है अगर तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट्स के अंदर जा सकते हो यू कैन गो टू द लॉ टू से भाई मेरा फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराया जाए मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन बनता है फिर वो कोर्ट उसके अगेंस्ट लेगा राइट एंड व्हेन इट कम्स टू डीपीएसपी दीज आर एक्चुअली नॉन जस्टिसेबल दीज आर नॉन जस्टिसेबल व्हिच मींस कि दीज आर नॉन एनफोर्सिएबल बाय लॉ दीज आर नॉन एनफोर्सिएबल बाय द लॉ व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका डी जो प्रोवाइडेड है अंडर पार्ट फोर के जो पार्ट फोर के अंदर डी लिखे हुए अगर वो वायलेट होते हैं तो उसके अगेंस्ट आप स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता कोर्ट के बारे बिकॉज डी क्या होते हैं नॉन जस्टिसेबल होते हैं और ये क्यों ऐसा क्यों फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल हैं और क्यों डी नॉन जस्टिसेबल है ऐसा इंटर क्यों बनाए इस टाइप के प्रोविजन अगर आपको वो जानना है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर काइंडली फॉलो दैट आप उस वीडियो को अगर चेकआउट कीजिए वहां पर आपको पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा है राइट ओके सो वेन इट कम्स टू आंसर बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट सो बोथ एंड टू आर फॉल्स सो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर फॉल्स राइट सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके दिस इज दिस अगेन इज अ टिपिकल क्वेश्चन राइट दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज इसकी जो स्टेटमेंट टू है वो oh, कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ी सी राइट स्टेटमेंट टू सी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लेट सी द क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंदा भारती केस इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय द वे एकदम सही स्टेटमेंट है केशव नंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है अपनी पॉलिटी के एंगल से लॉ के एंगल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई केस है तो वो केशव नंदा भारती केस है जहाँ पर क्या बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्टरिन थी वो प्रोपाउंड हो गई थी लेकिन जो रियल टॉपिक था यहाँ पर जो रियल क्वेश्चन ऑफ जो, जो जिसके लिए गया था वो था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आप पूरी तरीके से अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये क्वेश्चन उठा था क्वेश्चन अंदा भारती केस के अंदर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि येस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बट प्रोवाइडेड इट डज नॉट हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो प्रोविजन्स हैं उनको छेड़ा नहीं जा सकता उसके अलावा बाकी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है ये इस केशवानंदा भारती के इसके अंडर आया था अब इस स्टेटमेंट की जो अंदर अगर हम स्टेटमेंट टू को पढ़ें तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ अगर आप इस स्टेटमेंट टू को देखें तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है कि नो इंडियन पार्लियामेंट के पास पूरी पावर नहीं है ऐसे पूरी की पूरी होल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे वर्ड क्या है इट हैज़ द पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है तो क्या ऐसा है इट डज नॉट एग्जिस्ट एज इट इज़ बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो प्रोविजन है उनको अमेंड नहीं किया जा सकता बट येट अकॉर्डिंग टू एच पी एस सी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एच पी एस सी इसका करेक्ट आंसर है ए राइट बट इफ़ यू आस्क मी स्टेटमेंट टू शुड बी फॉल्स एंड स्टेटमेंट वन शुड बी करेक्ट अगर मेरे से पूछे तो आंसर इसका सी बनता है बट अकॉर्डिंग टू एच पी एस सी दे हैव कंसिडर ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर राइट अगर ये सर्चन रीजन वाला क्वेश्चन होता तब बात अलग होती बट यहाँ पर जो क्या पूछा है कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है या स्टेटमेंट करेक्ट है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है सो दैट इज हाउ इज इट इज नेक्स्ट अब यहाँ पे अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट एंड बाय द वे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है इससे पहले भी अगर आप पिछले पेपर में देखेंगे तो आई विल शो यू कि बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिकरिंग है बार बार पूछा जाता है अच्छे पेपर में तो बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कौन कौन से केसेस है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर कैसे वो आया उसकी हिस्ट्री एवरीथिंग व्हाई इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड राइट दिस काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड ओके नाउ नेक्स्ट अब यहां से क्या पता लगता है ये जो क्वेश्चन है मैंने स्टार्टिंग बताया कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स अमेंडमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं करने इन पे से हर साल एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलते ही मिलते हैं एग्जाम के अंदर जहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे होंगे शेड्यूल्स पूछे होते हैं अमेंडमेंट्स पूछी होती हैं मैच द फॉलोइंग कैसे भी करके सो so, उनको अच्छे से तो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ईज़ी है येट थोड़ा सा प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगे एक दो बार बट हो जाएगा ओके सो नाओ मैच द फॉलोइंग पूछा है कि इसमें से एक मैच करना है यहाँ पर आपको शेड्यूल्स प्रोवाइड कर दिए फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल राइट यहाँ उनके प्रोविजंस दे दिए अब पहले पांच शेड्यूल को आ, याद करने का तो एक निमोनिक में आपको बताता हूं विच इज टी ई ए आर सी इसको यहां पर देख लेते हैं ओके सो टी ई ए आर सारे के सारे याद करने के भी निमोनिक हैं बट उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी वो रिमेंबर हो जाते हैं पहले जो चार शेड्यूल है इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सो so, उसी के लिए एक छोटा सा निमोनिक है टीयर टी फॉर टेरिटरी राइट ई फॉर इमोल्यूमेंट राइट ए फॉर एंड आर फॉर राज्यसभा सिंपल है टी से टेरिटरी मतलब इंडिया दैट इज भारत सारी सारी स्टेट्स वगैरह के नेम वगैरह वहां लिखे हुए हैं कितनी स्टेट्स है कितनी यूनियन टेरिटरी है वो तो सारा टेरिटरी को एक्सप्लेन किया हुआ है पहले शेड्यूल के अंदर सेकेंड शेड्यूल के अंदर इमोलीमेंट्स मतलब सैलरी पर्कस जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलनी है चाहे वो प्रेसिडेंट हो कोई भी हो वो सब सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है सारे के सारे इमोलीमेंट्स थर्ड है अपनी अफर्मेशन मतलब ओथ जो भी ओथ किस किस को क्या क्या मिलनी है वो सब थर्ड शेड्यूल के अंदर है देन कम फोर्थ विच इज राज्यसभा यहाँ पर क्या है एलोकेशन ऑफ सीट्स किस स्टेट के अंदर कितनी राज्यसभा को सीट्स एलोकेट होनी है एलोकेशन ऑफ सीट्स ये लिखा हुआ है फोर्थ शेड्यूल के अंदर तो इसको याद रखेंगे टीयर पहले चार शेड्यूल को याद करने के लिए बहुत अच्छा निमोनिक है ये और इसने इतना बहुत है बाकी शेड्यूल तो याद हो ही जाएंगे एक अच्छे एक्सपीरियंट को जो भी प्रिपेयर कर रहा होगा बाकी शेड्यूल को डेफिनेटली याद हो जाएंगे अपने आप ही सो ना विद दिस फर्स्ट फर्स्ट मतलब टी टी से क्या है टेरेटरी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर कौन से आएगा राइट द स्टेट एंड यूनिट टेरिटरी यस तो फर्स्ट का क्या हो गया ए तो ये दोनों तो गए पहली बात तो बच गया ये बट एनी हम सारे के सारे मैच करेंगे सेकेंड ई से क्या था इमोलमेंट्स तो इमोल्यूमेंट्स कहाँ पर हैं इसमें राइट सी प्रोविजन टू द इमोलीमेंट्स सो सेकेंड का हो गया अपना ई e. आंसर अपना आ गया सी बट स्टिल थर्ड थर्ड क्या है अफरमेशन मतलब ओथ सो थर्ड का हो गया बी राइट थर्ड का हो गया बी देन फोर्थ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल क्या है अपना एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा सी सी सो फोर्थ का आ गया अपना सी मीट इज दिस एंड फिफ्थ का हो गया अपना डी फिफ्थ एरिया फिफ्थ शड्यूल्ड एरियाज के ऊपर है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज जो है अपने उनके ऊपर क्या है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल राइट सो विद दिस करेक्ट आंसर आउट करके निकालनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले समझ में आना जो विच इज विच नीड टू बी प्रिपेयर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सी पार्लियामेंट चैप्टर उसके अंदर से कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कमिटीज इंपॉर्टेंट कमिटीज आया हुआ है एस्टिमेट कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी रूल कमेटी डिपार्टमेंट रिलेटिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यहां पर भी क्या मैच द फॉलोइंग करना है आपको कि किस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं आपसे पूछे गए हैं ये सारी की सारी कमेटी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं इनके बारे में वैसे ही पता होना चाहिए स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी राइट ओके तो एस्टिमेट कमेटी कितने मेंबर्स है एस्टिमेट कमेटी में बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एस्टिमेट कमेटी सबसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी विच इज ऑल्सो नोन एज मिनी पार्लियामेंट इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है वाई कितने मेंबर है इसके अंदर इसके अंदर होते हैं 22 मेंबर्स एक्चुअली देर आर ट्वेंटी मेंबर्स जिसमें से पंद्रह अपने लोकसभा के और सेवन राज्यसभा के तो so, इसके अंदर दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज द रीजन दिस कमिटी इज ऑल्सो नोन एज मिनी पार्लियामेंट सो कौन कितने मेंबर है ट्वेंटी टू कहाँ पर हो गया तो बी का ऑप्शन हो गया अपना वन अब बी वन किस, किस में है तो बी गया सी गया ओनली ए और डी के अंदर फाइट है नाउ लेट्स कम ऑन टू एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं इट इंक्लूड थर्टी मेंबर्स थर्टी मेंबर्स एंड ऑल द मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा ओनली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स होते हैं तो एक ऑप्शन हो गया टू सो वैन इट्स कम टू ए टू ओके दोनों के अंदर ही है ऑल राइट नाव कम्स रूल कमेटी ऑफ लोकसभा एंड डिपार्टमेंट रिलेटिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वैन इट कम्स टू डिपार्टमेंट रिलेटिंग पार्लियामेंट्री कमेटी कितने मेंबर होते हैं थर्टी वन मेंबर्स आर देयर राइट ट्वेंटी फोर फ्रॉम लोकसभा एंड सेवन फ्रॉम राज्यसभा सो इकतीस मैंबर होते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में तो डी का आंसर हो गया अपना थ्री विच कम्स डाउन टू ए राइट एंड रूल कमेटी रूल कमेटी में कितने मेंबर हैं पंद्रह मेंबर लाइक like, लोकसभा वाली में कितने मेंबर होते हैं पंद्रह और रूल कमेटी ऑफ राज्यसभा अगर राज्यसभा होता तो उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं सिक्सटीन राइट राज्यसभा वाली में सिक्सटीन होते हैं और लोकसभा वाली में फिफ्टीन मेंबर्स होते हैं सो करेक्ट आंसर आएगा इसका अपना ए दिस इज द करेक्ट आंसर ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यू नीड टू रिमेंबर इनसे दोबारा भी क्वेश्चन डेफिनेटली आपके नेक्स्ट अपने इस साल वाले एग्जाम के अंदर भी आ सकता है सो इंपॉर्टेंट रिलेटिव पार्लियामेंट्री कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी नीड टू बी प्रिपेयर वेरी वेल ओके नेक्स्ट नाउ यहाँ पर आपने फिर से आर्टिकल्स आगे सी आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करने, करने की जरूरत है जो भी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ डेफिनेटली उनको भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ओके नाउ अब यहाँ पर अपने सारे के सारे आर्टिकल्स हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये नाओ अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दो ऑप्शन है आपके सिक्सटी फाइव और टू सिक्सटी सिक्स और टू सिक्सटी सेवन और 263 सिक्सटी थ्री बिफोर दैट मैटर बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये सो आर्टिकल टू सिक्सटी सिक्स में क्या है कॉन्सोलीटेटेड फंड ऑफ इंडिया विच इज़ ऑप्शन टू मैच द फॉलोइंग करनी है तो दोस्तों टू सिक्सटी सिक्स में क्या है कॉन्सोलीटेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड टू सिक्सटी सेवन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया सो सी का थ्री राइट बी का टू एंड सी का थ्री कहाँ पर है ये सो इट इज़ ऑनली इन ऑप्शन ए आंसर तो अपना आ गया बट स्टिल आपको पता होना चाहिए और आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री इंटर स्टेट काउंसिल दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच सो इट इज वन टू थ्री फोर बेसिकली सो आंसर क्या है इसका वन टू थ्री फोर राइट टू सिक्सटी फाइव भी इंपॉर्टेंट है यू नीड टू रिम्बर दैट अब यहाँ पर आप मुझे छोटा सा होमवर्क है यू विल भी टेलिंग मी की आर्टिकल टू सिक्सटी टू किस से रिलेटेड है क्योंकि ये दो आर्टिकल है टू सिक्सटी टू और टू सिक्सटी थ्री थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं एट टाइम्स सो यू नीड टू रिमूव दैट कन्फ्यूजन सो आर्टिकल टू सिक्सटी टू आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएँगे किस चीज़ से रिलेटेड है राइट right? ओके okay. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अगेन आर्टिकल्स पूछे आपसे अब पंचायती राज से पूछे मैं सी पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना तो उससे रिलेटेड वाले जो आर्टिकल हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बट यस दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड ये सारे के सारे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड सो टू के टू आई टू जेड डी एंड टू जेड ई सो सी अब यहां पर पहली बात तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन लेट्स फोकस ऑन दीज टू ओनली ये दोनों आर्टिकल दोनों के दोनों जो कमीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है सी हेयर ओके सो सी हेयर सी टू फोर्टी थ्री के टू फोर्टी थ्री के किससे रिलेटेड है इलेक्शन टू द पंचायत सो ये किससे रिलेटेड है अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन से फर्स्ट ऑफ ऑल ये किससे रिलेटेड है स्टेट इलेक्शन कमीशन से राइट एंड देन लेट्स कम ऑन टू द आर्टिकल टू फोर्टी थ्री आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंस पोजिशन ये किससे रिलेटेड हो गया अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन ये बेसिकली सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको सारे के सारे एक बार देखने जरूर आएंगे पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं यू एक्चुअली हैव टू प्रिपेयर दैम आई नो थोड़े से ज्यादा लग रहे होंगे बट दो तो तीन बार अच्छे से देखोगे तो रिम्बर हो जाएंगे ये सारे के सारे अपने आर्टिकल टू फोर्टी थ्री से लेके ए बी सी एन ये अपने पंचायती के होंगे एंड दीज आर फ्रॉम अपना अर्बन लोकल गवर्नमेंट वेयर यू विल सी आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग राइट ये इंपॉर्टेंट है एंड टू फोर्टी थ्री जेड ई राइट जेड ई भी इंपॉर्टेंट है विच इज फॉर मेट्रोपोलिटन कमेटी ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन सी दिस इज आवर क्वेश्चन टू फोर्टी थ्री के किससे रिलेटेड है स्टेट इलेक्शन कमीशन से तो ए का अपना हो गया टू विच कम्स डाउन टू ओनली ऑप्शन डी सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर है बट स्टिल

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से और जेड ई किस रिलेटेड था मेट्रोपोलिटन प्लानिंग से सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी राइट सो विद दिस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सी ओके अगेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आर्टिकल्स में इस बार दो तीन क्वेश्चन आगे थे राइट बट सारे के सारे डुएबल क्वेश्चन थे सारे के सारे अटम्पटेबल क्वेश्चन थे ऑल तो सारे के सारे आर्टिकल नहीं भी याद बट ऑप्शन इस हिसाब से इनके सेट कर रखे थे कि आप अटैम्प्ट कर सकते थे राइट करेक्ट आंसर इसमें से आराम से निकाल सकते थे आप कोई इशू नहीं था उसके अंदर ओके okay. नाव अब ये सारे के सारे आर्टिकल्स सा, आप देखो तो किससे रिलेटेड है ज़्यादातर यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है सारे के सारे राइट right? जिसके अंदर प्रेसिडेंट और ऑडिटर और जनरल की बात भी हो रही है इसके अंदर ऑडिटर जनरल नहीं सॉरी अपना अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है ओके सो आर्टिकल 61 अगर मैं बात करूं इस पर मैंने हमेशा फोकस कराया ये किससे रिलेटेड होता है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से रिलेटेड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिर्फ अगर ये एक आर्टिकल पता हो इससे भी काफ़ी हेल्प हो रही इस क्वेश्चन के अंदर सो so, अगर आप आर्टिकल सिक्सटी देखें किसके अंदर कहाँ पर है ये आर्टिकल सिक्सटी वन इम्पीचमेंट तो ए का अपना आंसर आएगा वन अगर आप ए का वन देखो तो एटलीस्ट दो ऑप्शन ज़रूर एलिमिनेट हो रहे थे आपके राइट एंड देन कम्स आर्टिकल सेवेंटी सिक्स ये भी किससे रिलेटेड है ये अपना अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है सो अगर मैं ई का कर दूँ फोर राइट तो आपका आंसर तो यहीं से आ जाता था बट स्टिल आपको बाकी सारे आर्टिकल भी लाइक like इसमें आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है राइट किस से रिलेटेड है ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है एंड आर्टिकल सेवेंटी टू एज वेल एज आर्टिकल फिफ्टी फोर प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या सारे के सारे आर्टिकल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है अब लाइक सेवेंटी टू किस रिलेटेड है प्रेसिडेंट अपना जस्ट अ सेकेंड यस yes. सॉरी इसका आंसर ए नहीं सी होगा सॉरी गलती से ए बोल दिया था इसका आंसर सी होगा बिकॉज सेवेंटी सिक्स का क्या है अपना अटॉर्नी जनरल और ए का क्या है इम्पीचमेंट तो आंसर तो निकल गया सी अब यहाँ पे सेवनटी टू और फिफ्टी फोर ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है राइट तो सेवनटी टू क्या है अपना सेवनटी टू इज़ रिलेटेड टू वॉट इट इज़ रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर आर्टिकल सेवनटी टू इज रिलेटेड टू वॉट पार्डनिंग पावर एंड आर्टिकल फिफ्टी फोर इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो सारे के सारे आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने करने हैं प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल आपको प्रिपेयर करके जाने हैं राइट ओके नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन एज फार द पॉलिटी कंसर्न इस साल जो पॉलिटी में से क्वेश्चन आया सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये ओके दिस इज़ अबाउट आर्टिकल एटीन सी फंडामेंटल राइट अगेन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरन स्टेट ट पहली बात तो क्वेश्चन पूछा कि आपसे करेक्ट बताना है आपको हमेशा इस पर फोकस करना है करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है ओके अब आपसे बताना है करेक्ट क्या है इसमें से पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है क्वेश्चन इज अबाउट आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 क्या अबोल्यूशन ऑफ टाइटल वाला जो आर्टिकल है अपना फंडामेंटल राइट राइट विच ऑल्सो बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी उसका पार्ट है सो नाउ फर्स्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरन स्टेट इतने सारे कीवर्ड आपको वैसे रेड रेड फ्लैग दिख रहे हैं कि ये गलत होने के चांस ज्यादा है इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एज वेल प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है ऐसे नहीं अलाउड नेक्स्ट इन बालाजी राघवन वर्सेस इंडियन फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट हैजनाषण पद्म भूषण एंड श्री इज अ टाइटल बट डीज अवार्ड्स वायलेट राइट टू इक्वेलिटी नाउ दिस स्टेटमेंट इज अ टफ स्टेटमेंट एज सच बिकॉज जनरली ये स्टेटमेंट नहीं पड़ी जा रही होती राइट right? तो इस अब यहाँ पर देख रहे हो आप क्वेश्चन ईजी लगा लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी हिसाब से दे दी क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अपने आप में थोड़े टफ ही होते हैं दोनों स्टन पता होनी चाहिए एंड दिस स्टेटमेंट बाई द वे इज ऑल्सो इनकरेक्ट ये भी क्या है इनकरेक्ट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी बिकॉज ऐसा कुछ बोला नहीं था सच ये स्टेटमेंट नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर सो विद दिस विद दिस वी आर थ्रू विद दिस क्वेश्चन ऑफ एच सी प्रियम ट्वेंटी ट्वेंटी टू लास्ट ईयर वाले प्रम्स के पॉलिटी के सारे क्वेश्चन डन हो गए नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे और इंपॉर्टेंट एमसी यूज को भी डील करेंगे बट विद दिस आई हैव ऑल्सो अनदर अनाउंसमेंट फॉर यू अगर आपको इस अभ्यास के अलावा इफ यू वॉन्ट अ फुल फ्लैच प्रिपरेशन फॉर योर एच सी एस प्रिलिम्स एग्जाम सो अभी अभी मन यू आई एस हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव कोर्स फॉर एच सी एस प्रिलिम्स राइट जिसकी फीस आपके सामने लिखी है जस्ट रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड जहाँ पर इसके फीस के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा यू विल प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस आपको नोट्स मिलेंगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट डेली टेस्ट वीकली टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज एवरी थिंग विल प्रोवाइडेड नोट्स के लिए आपको पी डी एफ प्रोवाइड करी जाएगी आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं एज मैच एज यू वॉन्ट वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके प्रिलिम्स के लिए एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट सपोर्ट नंबर इज़ ऑल्सो प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसको इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी प्रोवाइडेड है काइंडली उस पर क्लिक कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप बिकॉज टाइम अब उतना नहीं है प्रिलिम्स होने वाला है ग्यारह फरवरी को अब एक भी दिन वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एच सी एस प्रिलिम्स एग्जाम राइट प्रिलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जिसपे जितना ज़्यादा एम्फरसाइज किया जाए उतना कम है right so with this i wish you all good luck till our next video right take care and bye bye thank you